और अब आपको बताएं, पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के चौथे रोज अमरीकी ग्रुप अपलिफ्ट के थिएटर थ्रू द व्यूज ने शायकीन के दिल जीत लिए। कैसर कामरान की रिपोर्ट देखिए। थिएटर में ना डायलॉग्स ना मुकालमे, मौसीकी के साथ जज्बात का शानदार इस्तेमाल। कराची आर्ट्स काउंसिल में अमरीकी ग्रुप की जानिब से थिएटर थ्रो द वेव्स पेश किया गया। अमरीकी फनकारों का कहना था कि पाकिस्तानी शायकीन के सामने परफॉर्म करने का तजुर्बा बेहतरीन था। This has been an incredible experience. The Arts Council of Pakistan Karachi is so innovative and so collaborative. अमरीकी फनकारा ने शायकीन से उर्दू में इजहार तशक्कुर भी किया। I love the Pakistani audience because I can feel them breathing and remarking and cheering during the show. We don't have that as much in the US. It's usually silent. Shukriya. मौसीकी और एक्टिंग के जरिए खेल को खूबसूरती से पेश किया गया। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आज बहुत अच्छा लगा कि इसमें बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ की गई। बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस थी, इट वाज ब्यूटीफुल। जो उन्होंने जाहिर किया और जो इमोशन उन्होंने दिखाए, आउटक्लास, बेहतरीन थे। बहुत अच्छी लगी, ऐसी चीज़ें कम होती हैं पाकिस्तान में और मोस्टली नहीं होती हैं। अमरीकी काउंसिल खाने की सकाफती अताशी अरियाना मारिया ने भी पाकिस्तानी थिएटर फेस्टिवल में खसूसी शिरकत की। इस खेल में तीन खवातीन की कहानियों को इस खूबसूरती से पेश किया गया कि देखने वाले भी दाद दिए बगैर ना रह सके। कैमरामैन शकील बलोच के साथ कैसर कामरान, आज न्यूज़, कराची।